एक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो टीकरी बॉर्डर पर किसान अपना सामान समेट रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर, किसानों ने खाली किए अस्थाई आशियाने। किसान आंदोलन जीत की खुशी में लगातार सामान समेटा जा रहा है, क्योंकि कल किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया था कि हम इस आंदोलन को स्थगित करने जा रहे हैं। जी हां, इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि हम इस किसान आंदोलन को स्थगित करने जा रहे हैं और 11 तारीख से सभी किसान दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में, दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों से अपना आशियाना समेटना शुरू कर देंगे, अपना सामान समेटना शुरू कर देंगे और एक विजय जुलूस के साथ ये वापसी की यात्रा होगी। तो तेज संगीत की धुन पर नाचकर किसान अपना जश्न मना रहे हैं। आंदोलन में काम करने वालों का सम्मान हो रहा है, दिलों में अच्छी यादें लेकर जाएंगे, ये बात लगातार किसान कह रहे हैं। और आज एक और बात कहना बेहद जरूरी है कि जब जब लोकतंत्र में हुकूमत और आवाम की ठन जाती है तो इस लोकतंत्र में उस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उस हुकूमत को अपने पैर पीछे खींचने चाहिए, और यहां पर ठीक वैसा ही हुआ। सरकार ने अपनी दरियादिली लगातार दिखाई, किसानों को अपने प्रस्ताव भेजे जो किसानों द्वारा संशोधित प्रस्ताव भेजे गए थे, फिर दोबारा से केंद्र की तरफ से प्रस्ताव आया जिसको किसानों ने स्वीकार किया, सहमति जताई और कल बड़ा ऐलान किया गया। और ग्राउंड जीरो से लगातार हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के तमाम सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर्स पर जो अस्थाई आशियाने किसानों द्वारा बनाए गए थे उसको हटाने का काम और अपने सामानों को समेटने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, और किसानों के भीतर एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां तक कि जिन जिन किसानों ने अहम भूमिका निभाई इसमें उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस किसान आंदोलन में महिलाओं की भी अपनी एक भागीदारी है, उनकी भी एक जिम्मेदारी थी और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन महिलाएं भी बखूबी कर रही थी। तो किसानों की इस बड़ी जीत में महिलाओं की भूमिका भी बहुत बड़ी है, और किसानों के भीतर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, एक अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगह से आए किसान जीत का जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। लग रहा है कि किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसी त्योहार को दिल से मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लोकतंत्र में हुकूमत को पीछे ही हटना पड़ा, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा और जो किसानों की मांगे थी उनको भी मानना पड़ा।